अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी टेलीनॉर की सिम पर इंटरनेशनल रोमिंग कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। आप पाकिस्तान में मौजूद हैं या पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं, आप अपनी सिम को पूरी दुनिया में कहीं भी बैठकर इंटरनेशनल रोमिंग पे एक्टिवेट कर सकते हैं और अपनी सिम चला सकते हैं। आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है ताकि आपको इस वीडियो की मुकम्मल समझ आ सके और आप अपनी सिम को इंटरनेशनल रोमिंग पर एक्टिवेट कर सकें। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको कोड के ज़रिए बताऊंगा कि आप कोड के ज़रिए कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं अपनी सिम को इंटरनेशनल रोमिंग पे। *759# डायल करके आप अगर पाकिस्तान में मौजूद हैं या आप पाकिस्तान से जा रहे हैं या एयरपोर्ट पर मौजूद हैं तो आप ये कोड डायल करके अपनी सिम को इंटरनेशनल रोमिंग पे एक्टिवेट करते जाएँ और वहाँ जाके आप अपनी सिम को चलाएँ। लेकिन अगर आप पाकिस्तान से बाहर चले गए फिर आपने अपनी सिम को इंटरनेशनल रोमिंग पे कैसे एक्टिवेट करना है, तो स्क्रीन पर नंबर आपको हमारा नज़र आ रहा होगा, आप इस नंबर पर रब्ता करके भी अपनी सिम को इंटरनेशनल रोमिंग पे एक्टिवेट करवा सकते हैं। और तीसरा तरीका ये है कि आप अगर हमारे नंबर पर रब्ता नहीं करना चाहते और आप चाहते हैं कि वैसे इंटरनेशनल रोमिंग पर सिम एक्टिवेट करवा लें, तो आप अपने मोबाइल में जी मेल पर जाएँगे और यहाँ पर जाने के बाद आप कंपोज पर क्लिक करेंगे। यहाँ से जो आप ईमेल करेंगे उसका 72 घंटे के बाद रिप्लाई आएगा। अगर कोई रिक्वायरमेंट होगी तो वो बताएंगे, अगर नई रिक्वायरमेंट होगी तो फिर आपके सिम को वो 72 घंटों के अंदर इंटरनेशनल रोमिंग पे एक्टिवेट कर देंगे। लेकिन अगर आप हमारे फ़ोन नंबर पर रब्ता करके व्हाट्सएप पर हमसे इंटरनेशनल रोमिंग एक्टिवेट करवाएंगे तो हम एक घंटे के अंदर आपके सिम को इंटरनेशनल रोमिंग पे एक्टिवेट कर देंगे। स्क्रीन पर आपको हमारा नंबर नज़र आ रहा होगा, आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि आप ईमेल के ज़रिए कैसे सिम को इंटरनेशनल रोमिंग पे एक्टिवेट कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पर ईमेल लिखना है, आपने ईमेल में क्या लिखना है जी, telinor.business@telinor.com.pk। इस ईमेल एड्रेस पर आपने मेल करनी है और यहाँ पर आपने सब्जेक्ट कर लिखना है एक्टिव इंटरनेशनल रोमिंग फॉर, आगे कंट्री का नाम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे मैं लिख देता हूँ यूएई। यहाँ पर लिखना है सिम नंबर आपने लिखना है और उसके बाद सिम नंबर लिखने के बाद नेम लिखना है, आपका नाम जिसके नाम सिम है उसका नाम लिखें और उसके बाद CNIC नंबर, ये लिखकर आपने सेंड कर देना है और आपकी 72 घंटों के अंदर सिम इंटरनेशनल रोमिंग पे एक्टिवेट हो जाएगी अगर आपकी सिम में कोई इशू नहीं आता या आपकी कोई वेरिफिकेशन नहीं होती। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।